नमस्ते दोस्तों, आज घर की खेती पहुंच चुका है राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन है, यानी कि फल अनुसंधान केंद्र। आम यानी कि मैंगो, जिसको फलों का राजा कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि 4000 साल पहले से भी इस दुनिया को आम से रूबरू भारत ने ही कराया था, और आज भी इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, यानी कि भारत में आम की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। रिसर्च स्टेशन की विजिट पर हमारी मुलाकात हुई एक सीनियर साइंटिस्ट से, जो अपनी टीम के साथ पिछले 40 सालों से आम की वैरायटीज पर काम कर रहे हैं और उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे ये कर रहे हैं 56 वैरायटीज पे काम, और कैसे सक्सेसफुली इनसे प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमारे पास जो है 56 वैरायटियां मैंगो की। यहाँ पर जो मुगल, आपकी कहना चाहिए कि नवाब कालीन जो दहियर वैरायटी है, 40 ट्रीज हम लोग ने प्रोटेक्ट किया है, उसकी हमने प्रोजनी आर्चर्ड भी बनाया है, और उसकी जो है मांग बहुत ज़्यादा है, नग के हिसाब से बिकता है। और अपने जो भारतीय जो बाहर दूसरे देश में गए हैं, वो भी इसको खाना पसंद करते हैं, इस आम को। तो खासकर जो सऊदी अरब है, दुबई है, और USA में जो हमारे साथी हैं, इसके अलावा मेरे जितने रिश्तेदार हैं, दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, रायपुर में हैं, मुंबई में हैं, बेंगलोर में हैं, सबके सब जो है कुछ ना कुछ मात्रा में उनको आम चाहिए रहता है। उसको देख के दूसरा मंगाता है, उसको देख के दूसरा मंगाता है। तो इस तरह से जो हमारी जो आम की जो है 56 वेराइटियाँ हैं, उसमें से सात वेराइटी जो हैं हम मध्य प्रदेश के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी पुरातन विधि है बीज से पौधे तैयार करना, वो आप उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि बीज बो के हम पौधा तैयार कर लेते हैं, उसे हम देसी विधि कहते हैं। दूसरी होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कई विधियाँ होती हैं, से बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, इनार्चिंग है। अब बडिंग में भी कई बडिंग प्रकार की बडिंग होती है, रिंग बडिंग, आई बडिंग, पेच बडिंग, और ग्राफ्टिंग में भी कई प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, कटिंग इत्यादि विधियों से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो पूरे के पूरे टू टाइप के होते हैं। यानी जैसा कि हमने कहीं हम विजिट पर गए और हमने देखा कि इस पौधे का फल जो बहुत ही अच्छा है, इसका स्वाद भी अच्छा है, इसका फ्लेवर भी अच्छा है, इसका पकने का टाइम भी बहुत अच्छा है, तो हम वैसा ही पौधा अगर चाहते हैं तो हमें वानस्पतिक प्रसारण की विधि से ही वो उस प्रकार का पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर हमने उस पौधे की फल खाया, उसकी गुठली लगा दी, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाएगा, है ना, चाहे उसके कलर में चेंज आ जाए, स्वाद में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, प्लांट टाइप में चेंज आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आ जाएगा। परंतु कलम विधि से जो भी हम पौधे तैयार करते हैं, उसमें पूरे के पूरे 100% जो कैरेक्टर हैं मदर प्लांट से पैदा हुए पौधे में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए टू टाइप का पौधा तैयार करने के लिए हमें वनस्पतिक प्रसारण की विभिन्न विधियों का सहारा हम लेते हैं। अब इसके लिए हमें एक ट्रेंड आदमी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपने घर में कोई काम करना चाहते हैं, बगीचा लगा लिया जैसे आपने घर में, और नर्सरी भी आप करना चाहते हैं, तो एक हल्के से प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है। आपका परिवार में से कोई एक आदमी अगर प्रशिक्षण लेके पहुँच जाए घर पर, तो उसके माध्यम से पूरा घर आपका बडिंग ग्राफ्टिंग का काम सीख सकता है। हमारे घर में जो कामकाजी महिला हैं, घंटे दो घंटे जो उन्हें अगर टाइम मिलता है तो वो भी इस काम को कर सकती हैं। हमारे घर के वृद्ध माता पिता जो खेती का अन्य कार्य नहीं कर पाते, उसको उनके लिए कुर्सी डाल दो, घंटे दो घंटे वो भी काम कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, अगर उनको भी टाइम मिलता है तो एक दो घंटे वो भी काम कर सकते हैं। तो परिवार का हर सदस्य इसमें परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, फल तो ले ही ले रहे हैं, मेन क्रॉप हमारी फल है। अभी हमारा जैसे कि ये आम का बगीचा है, ये हमने 16,65,000 में बेच दिया, और इससे करीब हम 10,000 पौधे तैयार कर लेते हैं। 10,000 पौधे हमारे कितने हो गए, 80 रुपये के हिसाब में लगभग 18,000 के। और बगीचे के अंदर इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप हल्दी है, अदरक है, अरबी है, ये फसलें भी ले सकते हैं। तो कितने तीन प्रकार की आपकी आमदनी उससे प्राप्त हो रही है आपको, फल के रूप में प्रथम, दूसरा आपको नर्सरी के रूप में, और तीसरा इंटरक्रॉपिंग के रूप में। तो ये था संक्षेप में हमारे विजिट का एक छोटा सा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अपने फेवरेट मैंगो की वैरायटी का। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप छत के ड्रम पर
कोई एक वैरायटी लगाना चाहते हैं या आप अपने खेत पर कुछ पौधे लगाना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली इस स्टेशन पे विजिट कर सकते हैं और मात्र 60-70 रुपीस में पर पौधा खरीद सकते हैं। तो यही एक इसकी बहुत अच्छी विशेषता है कि ये स्टेशन बहुत ही कम दाम में बहुत अमेजिंग वैरायटीज प्रोवाइड कर रहा है। पर अगर आप भोपाल या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और आप फिर भी इन वैरायटीज को अपने पास पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे गए नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर की खेती चैनल एक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, एक ये छोटी सी कम्युनिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे ही गार्डनर्स के लिए और सारे ही फार्मर्स के लिए। तो इसको सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। नमस्ते।